गाइस देख सकते हो यहाँ का रश, चारों तरफ काफी रश है, उधर भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। अभी सुबह के 8:30 हो रखे हैं, बहुत लेट हो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। और उसके बाद अभी मैंने बर्तन साफ करके अभी दूध बॉईल करने रखा हुआ है, उसके बाद सफाई कर लेते, फिर नहा धो के फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सबसे बड़ा मंदिर है शिव जी महाराज जी का, वहाँ चलेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा हुआ है, तो अभी मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ मंदिर से, और अभी मैंने यहाँ पे भी पूजा कर ली है। और अभी मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और मेरा बेटा नहाएगा, उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, फिर हम लोग रेडी होके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। तो अभी मैं अभी मैं बना रही हूँ चाय और फास्ट वाले ये चिप्स तल रही हूँ। चाय अभी हमारी धीरे धीरे पक रही है, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह, फास्ट वाला ब्रेकफास्ट। और ये देखो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा शरारती सा बेटू, तो अभी चलते हैं, अभी मैं बना लेती हूँ। तो गाइज अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है हमारी चाय एंड ब्रेड वाले चिप्स, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। रेडी हो चुके हैं तो अभी हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये कैसे तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने यहाँ साड़ी नहीं डाली है, ग्रीन सूट ही डाला क्योंकि थोड़ी ठंड जैसी भी थी। और अभी चलते हैं और मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हेलो गाइज बताओ शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, आज के दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। राइट। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, जो कि जटोली टेम्पल है, उसका ब्लॉग मैं पहले दे चुकी हूँ और दो ब्लॉग्स कर चुकी हूँ और ये तीसरा है। और अभी ये मेरा बेटा, तो अभी जा रही हूँ मैं। और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ नी? तो चलते हैं अभी, बाकी देखते हैं। आज तो काफ़ी रश है मार्केट में भी, और एंड चलते हैं अभी, मिलते हैं अभी आपसे। तो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ रोड पे बाहर और अभी चलेंगे बाइक से। और यहाँ पे शाम को जागरण है शिव जी का और कल है भंडारा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे भी काफ़ी सारे भंडारे वगैरह होते हैं ऊपर, और भांग वगैरह तो बहुत ही होती है इधर तो हिमाचल में, घोटा वगैरह जिसे बोलते हैं। तो अभी चलते हैं हम, चलो बाय। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और अगर भर चुका है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग मार्केट में हैं और अभी आप आगे जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं जटोली टेम्पल और चलते हैं। और मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं कि आज ये मेरा न्यू फ़ोन है और मैं न्यू फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और इसकी डिटेल मैं आपकी बाद में दूँगी आपको। यहाँ पीछे भी ये पंडाल लगा हुआ था भोले बाबा का, और अभी जहाँ पे जगह जगह पर पंडाल लगे होते हैं शिवरात्रि वाले दिन, तो ये भी टेंपल है। और गाइस सुबह तो काफ़ी घने बादल हो रखे थे और अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छी धूप लगी है। और एक्चुअली मैंने साड़ी पहनना कैंसिल कर दिया था और अभी हम जा रहे हैं, देखो जटोली टेंपल के लिए काफ़ी रश है इधर। तो गाइस ये है शांति रह गया था और यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे तो ये है देवभूमि है पूरी हिमाचल, और ये है सामने पूरी सोलर्स की है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जटोली में और अभी ऊपर है टेम्पल और देख सकते हो काफ़ी रश है इधर, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और
गाड़ियों का जो रास्ता है वो ऊपर से है, बाकी शॉर्ट कट पीछे जहाँ काफ़ी लोग खड़े होते हैं उधर से था। सो गाइस यहाँ देख सकते हो, सो गाइस देख सकते हो पीछे से, काफ़ी पीछे से लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और यहाँ तक काफ़ी रश होता है। ज़्यादातर इस वाले टेम्पल में शिवरात्रि वाले दिन ही ज़्यादा रश होता है और एंड तक गाड़ियाँ ही लगती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश है यहाँ से देख सकते हो, और अभी मंदिर का द्वार शुरू होने वाला है आगे, तो अभी चलते हैं आगे। और यहाँ देखो काफ़ी रश है इधर, तो गाइस देखो यहाँ पे कितना रश है और गाड़ियों की तबाह क्या लाइन लगी है। और यहाँ देख सकते हो छोटी छोटी स्टॉलें भी हैं लगी हुई, और अभी ऊपर देख सकते हैं। अरे भगवान, यहाँ पे इतना रश है तो मार्केट में क्या हाल होगा। चलते हैं अभी आगे, ये है हमारा महा। सो गाइस ये है पूरा टेंपल। बाइक आगे पार्किंग करने गए हैं हस्बैंड, चलते हैं अभी आगे की तरफ। चलते हैं अभी, ये आ रहे हैं मेरे हस्बैंड। सो गाइस वहाँ तो काफ़ी रश था शूज़ उतारने के लिए, और इसलिए हम लोगों ने अपनी बाइक के साथ ही शूज़ उतार दिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। तो चलते हैं अभी, चल भी चलते हैं अंदर मुख्य द्वार। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं टेंपल में अंदर शिव, और यहाँ दिखाती हूँ काफ़ी रश है इधर। गाइस देख सकते हो यहाँ का रश, चारों तरफ काफ़ी रश है, उधर भी है इधर भी है, लगता है शाम तक नंबर नहीं आने वाला। और ये है महादेव टेंपल, तो अभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, लगते हैं लाइन में, और आपको भी दर्शन कराते हैं अगर हमें। यहाँ पीछे ये काफ़ी बड़ा लेंटर है, और यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी रश है इधर सारे में। तो अभी हम लोग, सो गाइज मैं अभी आपको सामने की वीडियो दिखाती हूँ, जो कि सामने का दिखाती हूँ। गाइज वो देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लगी है उधर दर्शन करने के लिए, जो मेन वो मंदिर है अभी बनी रहा है वो, बाकी उधर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। एनी थिंक वहाँ से ये लाइन लगी हुई है नीचे से, और ये पूरी लाइन लगी है, और यहाँ देख सकते हो सारे फोटोग्राफी करने के लिए इस वाले लेंटर पर आए हुए हैं। अभी हम लोग भी लाइन में लगते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी, उधर तो कीर्तन भी हो रखा है, और रात को यहाँ पे जागरण भी होता है शिव जी का, और कल भी यहाँ पे लंगर लगा होता है, बट आज भी लंगर लगा हुआ है ऊपर, और अभी दिखाऊंगी मैं आगे जाके आपको। और यहाँ पे बट बहुत अच्छा लग रहा है शिवरात्रि वाले दिन, बट कोई भी फेस्टिवल हो बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अभी मैं दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो टेंपल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अभी मैं पीछे की तरफ आई हूँ सिलेंडर पे, और अभी आगे चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस अभी हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी रश है, तो अभी हम लोग लाइन में लगे हैं, और काफ़ी पीछे भी हैं। और ये इधर है पीछे, ये जो भोले बाबा की बारात में जो भूतों की बारात होती है वो है ये, बाकी और ये नंदी बाबा है। सो गाइस थोड़ा तो हम आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे ये जो पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे रात को जागरण होगा, और अभी बस थोड़ी ही दूरी पर है, और अभी हम ये अंदर जाने वाले हैं।
सो गाइज़ ये इसका जो ये टेंपल था ये बाकी मैंने आपको पहले भी दिखाया था पहले ब्लॉग में, बाकी जो इसके डिज़ाइंस बने वो काफ़ी अच्छे से और बहुत सुंदर से बनाए हुए हैं। ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है ये एशिया का, जो कि ये सोलन में स्थित है। तो अभी आगे चलते हैं हम और इसके डिज़ाइंस देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर से बने हुए हैं। तो अभी आगे चल रहे हैं। सो गाइस ये नीचे देख सकते हो गाड़ियों की तरह से लाइन लगी हुई है और आगे जाके तो बहुत ही लाइन लगी है, रश भी काफ़ी है। हाँ तो चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग उधर के दर्शन तो कर आए हैं और अभी यहाँ पे है, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं फिर हम रेस्ट। सो गाइस अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और यहाँ से ये रास्ता पीछे घूम के बनाया है और काफ़ी रश है, इधर देख सकते हैं। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे रात को जागरण होगा, सबसे बड़ा जागरण, बाकी हम लोग तो अभी दर्शन करके चले जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी रश है, इधर बड़े जोरों वोरों से चलिए। और ये है टेंपल महादेव जी का और इधर कीर्तन भी हो रहा है साथ में, और इधर देख सकते हो उधर साथ चारों तरफ काफ़ी रश ही रश है इधर। अभी मैं अपने बेटे को भंडारा खिलाती हूँ। तो गाइस अभी मैं पी रही हूँ चाय और मेरा फास्ट है और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है। सो गाइज़ अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी भी काफ़ी रश लगा हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और देखते हैं। सो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और अभी मैंने चाय पी है और अभी देखते हैं क्या बनाते हैं शाम के लिए, शाम फास्ट के लिए। ये मेरे हस्बैंड का नाम भी श्याम है तो मैं बोल रही हूँ शाम के लिए क्या बनाना है ये कहते शाम के लिए कुछ। शाम हो चुकी है और अभी कर लेती हूँ मैं पूजा और फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। गाइज अभी मैं बना रही हूँ व्रत वाले पकौड़े, ये है मेरे आलू के कुट्टू के आटो के पकौड़े हैं आलू के साथ और ये फ्राई कर रही हूँ मैं अभी, उसके बाद भोग लगाऊंगी और फिर हम लोग व्रत खोलेंगे। तो गाइज अभी मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बिस्तर में और मेरे को एडिटिंग भी करनी है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच।